हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है वॉइड्स के बारे में डिस्कस किए थे। दो टाइप के वॉइड्स मेनली, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। अब उसी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को जो है हम लोग क्रिस्टल लैटिस में शो करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस में वे वॉइड्स किस प्रकार से बनते हैं। और वह क्रिस्टल लैटिस हम लोग CCP चूज किए हैं, मतलब CCP लैटिस में हम लोग दिखलाएंगे कि कहाँ कहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं और कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं। दोनों को जो है अलग अलग देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को CCP लैटिस बनाना होगा। तो लैटिस कैसे बनाते हैं पहले बताए हैं, एक बार फिर से बनाते हैं। क्रिस्टल लैटिस का फिगर बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो एक क्यूब बनाना रहता है, इसमें एक परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। ऐसा एक परफेक्ट क्यूब बना। फिर लैटिस बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करते थे, तो सबका मिड पॉइंट लेते थे ऐसा। ये फिगर बहुत बार हम लोग को बनाना है आगे भी, इसलिए इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है ऐसा। फिर इस सब का मिड पॉइंट लेते थे हम लोग, जैसे इसका मिड पॉइंट लेंगे तो इसको फिर यहाँ से मिलाते हैं ऐसा। इसका मिड पॉइंट लेंगे, इसको फिर नीचे वाले से मिलाएंगे यहाँ, वैसे ही इसका मिड पॉइंट लेंगे और इसको फिर हम लोग नीचे से मिलाएंगे दिस वन। फिर इसको यहाँ से मिलाओ और ये भी यहाँ से मिलेगा। वैसे इधर हम लोग करते थे, यहाँ का मिड पॉइंट लेकर के इसको यहाँ मिलाते थे, फिर यहाँ का मिड पॉइंट लेकर के इसको यहाँ मिलाते थे, और एक इसका मिड पॉइंट लेकर के हम लोग यहाँ मिलाते थे। फाइनली फिर ये सबको मिला दो ऐसा। यह क्रिस्टल लैटिस बन गया। अब इस क्रिस्टल लैटिस को हम लोग दिखाएंगे CCP वे में या FCC वे में। तो याद करो CCP लैटिस क्या होता है या FCC लैटिस। तो FCC लैटिस में हम लोग क्या पढ़े हैं कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे और प्रत्येक फेस का सेंटर पे। तो ये पूरा बड़ा वाला जो है क्यूब, इसका 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ 5, 6, 7, 8, उसके बाद प्रत्येक फेस का सेंटर में। तो देखो ये ऊपर वाला फेस है तो इसका सेंटर में यहाँ एक पार्टिकल, राइट साइड का फेस है तो इसके सेंटर में यहाँ एक पार्टिकल, नीचे का फेस है तो इसके सेंटर में यहाँ, लेफ्ट साइड का फेस है तो एक पार्टिकल यहाँ। उसी प्रकार से पीछे वाला फेस का सेंटर है तो एक पार्टिकल यहाँ, ये सामने वाला फेस है तो इसका एक पार्टिकल। तो ये जो अरेंजमेंट दिखलाए यह अरेंजमेंट हुआ CCP लैटिस या FCC लैटिस। पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पे और साथ ही साथ प्रत्येक फेस का सेंटर पे। अब इसमें से कैसे दिखाएंगे वॉइड को, जरा उसको समझोगे तो क्या करो, इसके लिए सबसे पहले एक छोटा वाला यूनिट सेल को जो है ना हम लोग डार्क कर लें। पता चलेगा कि कौन से यूनिट सेल को कंसिडर कर रहे हैं। और एक लास्टली इसको यहाँ मिलाएंगे। तो एक क्यूब जो डार्क किए हैं यह इस लैटिस का एक यूनिट सेल हुआ, नहीं दिस वन, यह यूनिट सेल है इस लैटिस का एक ऐसा। अब ये जो क्यूब जिसको कि डार्क किए हैं यूनिट सेल, देखोगे तो इसके अल्टरनेट कॉर्नर्स में पार्टिकल्स हैं। इस क्यूब के
अल्टरनेट कॉर्नर्स में पार्टिकल्स हैं, जैसे ई कॉर्नर में पार्टिकल है तो यहाँ नहीं है, फिर इस कॉर्नर में है तो यहाँ नहीं है, फिर इस कॉर्नर में है तो यहाँ नहीं है और फिर यहाँ है, तो फिर इसके अगल बगल वाले कॉर्नर्स में नहीं है, देख लो। तो इस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स में चार पार्टिकल्स हैं, ये चारों को आपस में मिलाओगे तो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनेगा। मिलाते हैं सबको, तो इसको यहाँ से मिला दो ऐसा, उसी प्रकार से इसको यहाँ से मिला दो, फिर ई दोनों को मिलाओ, वैसे ही इसको मिलाओ यहाँ से, इसको यहाँ से, और फिर इस सामने सामने वाला को यहाँ से, ऐसा। तो ज़रा देखो तो ये कैसा अरेंजमेंट बनाया, सो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ना, ऐसा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हम लोग किस प्रकार से पढ़े हैं, एक स्फीयर, फिर दो तीन चार, और इस सबको मिलाओगे आपस में ऐसा, देखो तो सेम अरेंजमेंट यहाँ बना है, देख सकते हो। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल के अल्टरनेट कॉर्नर्स पे चार पार्टिकल्स हैं, तो वे चारों पार्टिकल्स को आपस में मिलाओगे तो वह एक टेट्राहेड्रोन बनता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मिलता है, और उसी के बीच में यहाँ ये जो खाली जगह क्रिएट हुआ है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, TV, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी को एक दूसरे यूनिट सेल में ऐसे दिखाओ, एक और यूनिट सेल हम लेते हैं, ऐसा एक यूनिट सेल ही हुआ। अब इस यूनिट सेल में भी वही बात है, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पार्टिकल है तो यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, फिर यहाँ नहीं है तो यहाँ है, ऐसे करके। तो ये जो क्यूब दिख रहा है ना, जिस क्यूब को अभी हम डार्क किए हैं, इस क्यूब का एकदम सेंटर लो, इस क्यूब का क्या लेना है हम लोग को, सेंटर लेना है, तो वही सेंटर में होगा क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। इस क्यूब का सेंटर लेंगे हम लोग, और इसी क्यूब का जो सेंटर होगा, मान लो कि सेंटर इसका यहाँ है दिस वन, तो ये जो सेंटर इसका होगा, दिस वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड। अलग से यदि इसको दिखलाओगे तो ऐसे दिखलाया जा सकता है, एक क्यूब बना लो सिंपल सा ऐसे, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे पार्टिकल यहाँ रखो, फिर यहाँ नहीं तो यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा और फिर यहाँ, तो ई जो बीच में यहाँ जगह बनेगा दिस वन, यही कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी फिगर को यहाँ अलग बनाए हैं समझने के लिए, फिर इसको मिला दो, ई वाला वॉइड इससे भी घिरा हुआ रहेगा, इससे भी घिरा हुआ रहेगा, इससे भी रहना है और इससे भी रहना है, सबसे मिला देंगे यहाँ भी, इससे मिला दो, यहाँ से मिलाओ, फिर यहाँ से मिला दो, फिर यहाँ से, ऐसा। तो यही टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि एक जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इस क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में बनता है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। एक क्यूबिक यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में क्रिएट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जैसे एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस क्यूब के सेंटर में बना, एक यहाँ भी बना, अब ऐसे ऐसे टोटल कितने क्यूब्स या यूनिट सेल्स हैं पूरे लैटिस में, तो पूरे लैटिस में टोटल 8 हैं, पहले हम लोग देखें, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8। अब एक क्यूबिक यूनिट सेल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और टोटल इसमें 8 क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं, इसका मतलब टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होंगे, नहीं तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वे कितने होंगे, 8। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है सीसीपी लैटिस में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सीसीपी लैटिस या FCCC को बोलते हैं, कितने, 4। तो देखो ये पूरे लैटिस में अभी 4 पार्टिकल्स हैं, लेकिन टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बन रहा है, 8, पार्टिकल की संख्या का 2 गुना। जो ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं कि यदि पार्टिकल का संख्या n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा 2n, तो n यहाँ 4 है तो 2n कितना हो जाएगा, 2 × 4 मतलब 8 हो जाएगा, ऐसा। एग्जाम में वॉइड ऐसा शो करने के लिए जनरली नहीं आता है, लेकिन ऐसे ज़रूर आएगा,
कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ क्रिएट होता है, ऑप्शन दे देगा, कॉर्नर, फेस सेंटर, एज सेंटर, बॉडी सेंटर, कहीं भी। तो इससे हम लोग को यही एक बात समझना था केवल कि क्यूबिक यूनिट सेल में या जनरली किसी भी यूनिट सेल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है वह उसके बॉडी सेंटर में क्रिएट होता है, और यह जो वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड वह पार्टिकल के संख्या के तुलना में हमेशा डबल होगा, दो गुना होगा। समझ गए टेट्राहेड्रल वॉइड को। ऐसे ही हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में भी देखेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी लोकेट करेंगे सीसीपी लैटिस में ही। तो उसके लिए फिर से हम लोग को लैटिस बनाना होगा, सीसीपी लैटिस जैसा अभी इधर बनाए सेम में उधर भी बनाएंगे, देखोगे क्या कहते हैं। सबसे पहले एक क्यूब बना लेना है बढ़िया सा, एक क्यूब ले लेंगे हम लोग, सबको मिला देना है। तो यह एक बन गया क्यूब। अब इस क्यूब में फिर क्या क्या हम लोग करते हैं, तो सबका मिड पॉइंट लेकर के मिलाते हैं। तो इसका मिड पॉइंट लेकर के ऐसे मिलाएंगे, सब तरफ हम लोग वही काम करते हैं, वैसे इधर ऐसा। फिर इसका मिड पॉइंट लेकर के इसको नीचे में मिलाओ, वैसे इसका मिड पॉइंट लेकर के इसको नीचे में मिलाओ, और सेम वे में इसका मिड पॉइंट इसको यहाँ मिलाओ ऐसा। फिर यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। वैसे ही हम लोग इधर करते हैं, इसका मिड पॉइंट लेकर के यहाँ से मिलाओगे, इसका मिड पॉइंट लेकर के यहाँ से मिलाओगे, और इसका मिड पॉइंट लेकर के यहाँ से मिलाना है ऐसा। ऐसा तो यह बन गया हम लोग का एक क्रिस्टल लैटिस। अब इस क्रिस्टल लैटिस को हम लोग को बदलना है किस फॉर्म में, सीसीपी। बार बार हम बता रहे हैं कि सीसीपी और एफसीसी सेम चीज है, जिसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो सारे कॉर्नर्स पे और प्रत्येक फेस का सेंटर पे। तो दिखाओ पार्टिकल्स को, एक दो कॉर्नर पार्टिकल दिखाया जा रहा है, आठ कॉर्नर्स हैं, सभी जगह पार्टिकल्स होंगे प्रत्येक फेस का सेंटर पे। तो फेस सेंटर्ड पार्टिकल को थोड़ा दूसरे कलर से दिखाया जाए, ब्लू वाला से दिखाते हैं। तो ये ऊपर वाला फेस का सेंटर, राइट साइड वाला फेस का सेंटर, लेफ्ट साइड वाला फेस का सेंटर, सॉरी नीचे वाला फेस है, लेफ्ट साइड वाला फेस, ये पीछे का फेस सेंटर, सामने का फेस। ये जो ब्लू वाले स्फीयर्स दिखाए गए हैं ये सभी फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स हैं। अब जैसे हम बताएं कि टेट्राहेड्रोन कैसे बनता है, तो टेट्राहेड्रोन बन रहा था क्यूब में अल्टरनेट कॉर्नर्स को मिलाने पे। तो एक ऑक्टाहेड्रल फिगर कैसे बनता है, तो ऑक्टाहेड्रल फिगर या इसको ऑक्टाहेड्रोन बोलेंगे, तो वह किस प्रकार से बनता है, तो जितने भी फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स हैं वे सारे फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स को आपस में मिला दोगे तो ऑक्टाहेड्रोन बन जाएगा। तो ये छह फेस सेंटर पार्टिकल हुआ ना, ऊपर वाला फेस, राइट साइड का फेस, नीचे का फेस, लेफ्ट साइड का फेस, ये पीछे वाला फेस है, ये सामने वाला फेस का सेंटर है, ये सबको आपस में मिला दो। ध्यान से देखना है सारे पार्टिकल्स को, ये यहाँ से मिला दिए, फिर इसको यहाँ से मिला दो, और फिर यहाँ मिला दो ऐसा। उसी प्रकार से ये तीनों मिलाओ, इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे तो समझ में आएगा। देखो सारे पार्टिकल्स को बस एक दूसरे से मिला देना है, छह पार्टिकल्स है तो छह को एक दूसरे से मिलाना है। तो ये तीन तीन मिले।
अब फिर ई दोनों को मिला, सामने सामने में है दोनों पार्टिकल्स ऐसा, ये देखो इसको यहाँ से, उसी प्रकार से ये दोनों पार्टिकल्स मिलाएंगे हम लोग ऐसा, ठीक। उसके बाद इस पार्टिकल को ई दोनों से मिलाना है, देखो इसको यहाँ से मिला और फिर इसको यहाँ से, यहाँ से मिला और यहाँ से, उसी प्रकार से इस पार्टिकल को ही दोनों से मिलाओ, देखो यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा ऐसा। तो ई जो मिलाए सबको, मिलाने के बाद जो एक खूबसूरत सा अरेंजमेंट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रोन या ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। अब इसमें देखोगे ना तो एक जगह खाली बच गया है, देखो ई वाला जो पोर्शन है ये वैकेंट रह गया, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है, ध्यान से देखो। और ई जो वैकेंट पोर्शन बचा, जो कि छः स्फेयर्स से घिरा हुआ है, तीन इधर और तीन इधर, तो इसी खाली जगह को हम लोग बोलने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है, तो इस पूरे यूनिट सेल या पूरे लैटिस का बीचों बीच, मतलब ये पूरा बड़ा वाला क्यूब यदि देखेंगे तो इस पूरे क्यूब का बॉडी सेंटर में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन द बॉडी सेंटर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन द कहाँ बॉडी सेंटर में। तो एक बात हम लोग को यहाँ से क्लियर हुआ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है, बॉडी सेंटर में बनता है। टेट्राहेड्रल वॉइड भी बॉडी सेंटर में बनता था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कहाँ बन रहा है, बॉडी सेंटर में। अब और भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है अलग अलग जगह क्रिएट होते हैं कैसे, सो देखो, देखो यह जो लैटिस हम बनाए थे, ये नहीं कि वह पूरे क्रिस्टल का लैटिस हो गया, यह लैटिस का एक पार्ट है। यही लैटिस इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ेगा, नीचे की तरफ भी बढ़ेगा, इस तरफ भी बढ़ेगा, ऊपर भी बढ़ेगा, पीछे के साइड भी जाएगा, आगे के साइड भी जाएगा, मतलब यह लैटिस का एक पार्ट हुआ। ऐसा ऐसा अरेंजमेंट जो है पूरे क्रिस्टल में होता है। तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे तो देखोगे जरा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। और आगे किस प्रकार से बढ़ाना है जरा ध्यान दोगे, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखो ये फेस में पार्टिकल है, फिर यहाँ एज में नहीं है, फिर ये फेस में पार्टिकल है, फिर यहाँ एज में नहीं है, तो इसके बाद का जो आगे कोई फेस क्रिएट होगा तो वहाँ भी कोई पार्टिकल होना है, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। सो फेस में पार्टिकल है, ये एज में यहाँ जो पोर्शन है वहाँ नहीं है, फिर यहाँ फेस में है तो देखो फिर यहाँ एज में नहीं है, तो इसके आगे जो फेस कहीं बनेगा तो वहाँ भी तो कोई पार्टिकल होगा, जब ये पूरे लैटिस को आगे बढ़ाओगे तो होगा, तो होगा तो मान लें हम लोग कि पार्टिकल जो है इस जगह पे है, मान लो कि यहाँ है ऐसा। उसी प्रकार से इस तरफ से देखो कि यहाँ फेस में है पार्टिकल तो ये एज में नहीं है, फिर यहाँ फेस में है तो यहाँ एज में नहीं है, तो इसके बाद इधर कोई फेस होगा तो वहाँ पार्टिकल होगा, फेस में है एज में नहीं है, फेस में है एज में नहीं है, इसके बाद का आगे कोई फेस होगा तो वहाँ पार्टिकल होगा। और मान लें कि वह पार्टिकल जो है इस जगह पे है ऐसा, मतलब इसी लैटिस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं वॉइड को ही शो करने के लिए, और हम लोग अलग पार्टिकल फिर दिखाए। अब फिर से क्या करो, इस सबको मिला दो जैसे ऊपर में मिलाए थे, तो इस सबको फिर से मिला दोगे तो कुछ ऐसा बनना है, ये यहाँ से मिल गया, ये यहाँ से मिला, फिर इसको मिला दो, वैसे इधर करो, इसको मिलाओ, यहाँ मिलाओ, फिर इसको भी मिला दो, फिर क्या किए थे सामने सामने मिलाए थे तो फिर इसको मिलाओ, ये तो पहले से मिला हुआ है, फिर क्या किए थे कि इसको जो है ये दोनों पार्टिकल से मिलाए थे, देखो ऐसा, फिर इस पार्टिकल को ये दोनों से, तो फिर से इसको यहाँ मिलाओ और ये मिल जाएगा यहाँ, तो देखो फिर से ये वही वाला अरेंजमेंट है जो यहाँ है वही यहाँ, मतलब फिर से यहाँ एक ऑक्टाहेड्रोन क्रिएट हो गया। और इस बार फिर से यदि देखा जाए तो देखो यहाँ एक जगह जो है वैकेंट रह गया, और ये जो वैकेंट जगह है खाली जगह,
जिसके अगल बगल टोटल 6 स्फेयर्स हैं ऑक्टा हेड्रल अरेंजमेंट का, तो इसी वॉइड को हम लोग बोलेंगे फिर से ऑक्टा हेड्रल वॉइड। और यह ऑक्टा हेड्रल वॉइड कहाँ बना है, तो ऑक्टा हेड्रल वॉइड इन द एज सेंटर, एज में। अरे इस पूरे क्यूब में देखोगे तो ये इसका बॉडी सेंटर का है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये तो एज है ना, और इस एज का सेंटर में बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो दो जगह क्रिएट होते हैं, एक बॉडी सेंटर में और दूसरा एज का सेंटर में। अब हम लोग पढ़े हैं कि एक क्यूब में टोटल कितने एज होते हैं, तो 12 एजेज, और प्रत्येक एज का सेंटर पे जो है क्रिएट होना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक एज का सेंटर पे दिखाए ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसी प्रकार से सब एज का सेंटर पे बनेगा। जैसे ई एज है तो इसका सेंटर यहाँ है तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, ई वाला एज है तो इसका सेंटर यहाँ है तो यहाँ बनेगा, उसी प्रकार से ई वाला एक एज है तो इसका सेंटर यहाँ है तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। इसी प्रकार से एक क्यूब में जो टोटल 12 एज होते हैं, सभी एज के सेंटर में क्रिएट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रहा था केवल बॉडी सेंटर में और कहीं नहीं, उसी प्रकार से ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है दो दो जगह बनते हैं, एक बॉडी सेंटर में और दूसरा प्रत्येक एज का सेंटर में। अब चूंकि एक क्यूब में टोटल 12 एज होते हैं तो 12 एज का सेंटर में बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यदि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड के संख्या की बात करें कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना क्रिएट होगा, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो एक वॉइड बन रहा है बॉडी सेंटर में, और हम लोग जानते हैं कि जो बॉडी सेंटर का पार्टिकल होता है उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन 1 के बराबर होता है, मतलब वह पूरा उसके बॉडी के अंदर, तो ये 1 हुआ बॉडी वाला, प्लस एज पे बन रहा है और एज टोटल कितना हुए 12। फिर हम लोग पीछे पढ़े थे कि एज में जो पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो जैसे ये वॉइड यहाँ बना है तो वॉइड पूरा का पूरा इसी क्यूब के अंदर नहीं है, टोटल 4 में बटा है, तो एक में इसका कंट्रीब्यूशन है 1/4, तो ये लिखेंगे 1/4, 12 हुआ टोटल नंबर ऑफ एजेज, 1/4 हुआ पर एज में जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन, ये एज सेंटर है। जरा सॉल्व कर दो कितना जाएगा, तो 1 ये तो इधर कट जाएगा तो हो गया 3, टोटल हुआ 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना 4, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि देखोगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें इन CCP या FCC में, तो कितना होता है 4। तो पार्टिकल का संख्या भी 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी संख्या 4, मतलब पार्टिकल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों का संख्या आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या देखे थे कि पार्टिकल के संख्या का दोगुना होता था टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऐसा नहीं है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या पार्टिकल या स्फीयर के संख्या के बराबर होता है। एक बार इसको देख करके प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में पूरा ड्रॉ करने नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा बता दिए, पूछेगा कि कहाँ कहाँ वॉइड क्रिएट होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर में और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जगह, बॉडी सेंटर साथ ही साथ कहाँ एज सेंटर में। तो इसको अच्छे से समझ लेना है, इस पर आधारित जो है क्रिस्टल लैटिस का फिगर हम लोग आगे का क्लासेस में देखेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आसान ध्यान से समझोगे, नोट्स में भी लिखा हुआ है, वहाँ से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और ऐसे ड्रॉ करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।